सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। 26 अगस्त को है कुशा ग्रहणी अमावस्या, भाद्रपद का महीना है और 26 अगस्त से 27 अगस्त तक ये अमावस्या जो है वो चलेगी। और इस अमावस्या को आपने क्या करना है कि आपको मैं छोटे छोटे उपाय जो है बताने जा रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, पितृ ऋण है या कोई भी आपकी कुंडली में दोष है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन में कल्याण होकर रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने जब सुबह उठना है तो अपने घर की दहलीज को आपने जो है वो मलमल के कपड़े में दूध के छींटे लगाकर मलमल के कपड़े से आपने साफ करना है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का जो है संचार हो सके, माँ लक्ष्मी आपके घर में आए। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, आज के दिन आपने जो है आम के पत्तों का बंधन बार अपने घर के बाहर लगाना है। और अपने घर के, अगर आपके घर में पितरों की फोटोग्राफ्स हैं तो आप साउथ डायरेक्शन में लगा लीजिए, क्योंकि कई लोग जो है मुझे बोलते हैं कि हमने अपने पितरों की फोटो जो है नॉर्थ ईस्ट में लगा रखी है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगा रखी है और उनको अपने पितर जो है सपनों में आते हैं और बार बार उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी शिकायत है तो अपने घर में फ़ोटो चेक कीजिए, नॉर्थ में कहीं पर भी लगी है या ईस्ट में लगी है तो आप उसे हटा कर साउथ में कर दीजिए। दूसरा जो है आपने क्या करना है कि आज देखिए शनिवार का दिन भी है और शनि का दिन जो है और यहाँ पर शिव योग भी है आज के दिन अमावस्या पर, बहुत ही बढ़िया संयोग जो है वो बन रहा है। तो आज के दिन क्या करना है, आपने हरा चारा अपने वजन से 5-7 किलो एक्स्ट्रा लगा लीजिए, 5 किलो एक्स्ट्रा तो जरूर लीजिए हरा चारा, या अपने वजन का 10वां हिस्सा जो है हरा चारा या पालक गाय को जरूर खिलाइए। आज के दिन जो है आपने गाय को एक पेड़ा लेना है और उस पर चने की दाल को चिपका देना है और चने की दाल को पूरा लपेट कर उस पेड़े के अंदर को गाय को खिला के आइए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए उसके अंदर गुरु को भी छुपा देंगे तो बहुत ही बढ़िया उपाय रहेगा। आपके पितर जो है आज के दिन बहुत प्रसन्न होंगे। थोड़ी सी खीर और थोड़ी सी ब्रेड लेकर आप जो है उसे कौओं के लिए रखकर आइए, आज के दिन बहुत बढ़िया आपके लिए रिजल्ट मिलेगा। कौओं को और कुत्तों को आज के दिन पनीर खिलाइए, जरूर पनीर खिलाइए, इससे आपके पितर जो है वो प्रसन्न होते हैं। शनि राहु केतु आपके जो है शुक्र भी अच्छे हो जाते हैं कुत्तों को पनीर और कौओं को पनीर खिलाने से। और साथ ही साथ में साउथ में अपने पितरों की फोटोग्राफ को भी लगाइए, मैंने आपको बताया था। और आपने क्या करना है कि साथ ही साथ में आज अपने घर में थोड़ी सी स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ना आए तो आप क्या करें, फिटकरी के पानी के आज पोछे लगा लीजिए अपने घर में, नमक के पानी के पोछे लगा लीजिए, नमक अपने घर के बाउल में उसमें रख दीजिए और साथ में उसमें थोड़ा सा जो है सफ़ेद सिरका उस बाउल में, जिस बाउल में आप नमक रखते हैं अपने घर के अंदर अपने बाथरूम में, उसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जो बाथरूम में आपने नमक रखा था, सेंधा नमक, और उसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डाल दिया था, सिरका डाल दिया था, वाइट वाला सिरका आपने डालना है और आप देखेंगे कि एक हफ्ते में के अंदर अंदर ही आपके घर से सारी नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो रही है। आज का दिन शनिवार भी है तो शनिवार को एक पीपल के पेड़ के नीचे आपने जो है सरसों का तेल का दिया जलाना है और उसमें थोड़े से काले और सफ़ेद तिल डाल देने हैं। आप देखेंगे आपको अमावस्या में किस प्रकार से आपके पितर जो है वो खुश होते हैं। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, मैं आपको बता रही हूँ। और एक दिया आपने अपने घर के बाहर भी जलाना है, घर के बाहर उसमें देसी घी डालना है, एक दिया देसी घी डालना है, उसमें कमल गट्टे का एक पीस डाल दीजिए और उसमें एक बत्ती लगाकर उसे जला दीजिए शाम के समय। आप देखेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी के आने के चांसेस आपके बन जाएंगे, पितर आपके खुश होकर के, देखिए माँ लक्ष्मी तो आएगी, साथ में अगर पितर आपके खुश हो गए तो आपको माँ लक्ष्मी के आने के वो सभी रास्ते जो है खोल देंगे, क्योंकि पितर हटेंगे तो लक्ष्मी आएगी। पितर ही आपके घर में चुपके रहेंगे, 24 घंटे का कलेश रहेगा और हर समय आपके पितर अगर आपको परेशान करते हैं माँ लक्ष्मी इस प्रकार से आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अमावस्या पर ये मेरे सारे उपाय जो है छोटे छोटे कर लीजिएगा, अगर छोटे छोटे ना भी कर पाए तो एक आधा उपाय जरूर कीजिएगा। राधे राधे।